أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to 10th Urdu class students. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. बच्चों आज हम सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ की मशक करेंगे. नोटबुक्स निकालें, आज की डेट दे लगाएं, हेडिंग दें सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ. सवालों के जवाब. सवाल नंबर एक है, चांदनी चौक में फकीर की तकरीर का लुबे लुबाब क्या था? चांदनी चौक में फकीर की तकरीर का लुबे लुबाब ये था कि ऐ मुसलमान भाइयों, खुदा के लिए मुझ पर नसीब का हाल सुनो. मैं आफत का मारा, सात बच्चों का बाप हूँ, आप रोटियों का को काम मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ मैं भीख नहीं मांगता. मैं ये चाहता हूँ कि अपने घर चला जाऊं मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर नहीं पहुंचाता. भाई सुनो मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं. ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ. अगला सवाल है, मुसन्निफ पर इस तकरीर का क्या असर ने क्या असर किया? फकीर कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं, जबकि मुसन्निफ हसरत से कहता है कि मेरे इतने दोस्त हैं. मुसन्निफ सोचता है कि फकीर के दोस्त ना होने पर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए, वो खुश है कि उसका कोई दोस्त नहीं और मेरे दोस्त मुझे 5 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते. अगला सवाल है, मुसन्निफ को अपने दोस्त की बेतुकल्फी या घर घर से क्या तकलीफ या शिकायत है? मुसन्निफ को अपने दोस्त की बेतुकल्लुफ दोस्त मिर्जा जिनको वो भड़भड़ैया दोस्त कहता है, ये शिकायत है कि जब भी आते हैं 2 मिनट आराम से नहीं बैठते, आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं और चीजें बिखेर देते हैं. सन्निफ कहते हैं कि अहमद मिर्जा का आना बस जलजले से काम नहीं, इनके आने की खबर पहले ही हो जाती है. अगला सवाल है, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का मैवर क्या होता है? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का मैवर इनके बीवी बच्चे की बीमारी होता है. मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज्यादा दिलदादा हैं? मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान साहब अदब के ज्यादा दिलदादा हैं. इसी के नीचे बच्चों हेडिंग दे खुलासे की, खुलासे शुरू करें. सजाद हैदर जलद्रम कहते हैं कि अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्तों के हकूक और मसरूफियात को मद्देनजर रखे. मुसन्निफ जहाँ अपने दोस्तों से खुश हैं वहां नाखुश भी हैं. या वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा तो मेरी नजर एक ऐसे फकीर पर पड़ी जो लोगों को अपने दुखी हालात बता रहा था, जिनमें इसकी बदनसीबी, परेशानी और गरीबुल वतनी के साथ साथ ये बात अहम थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था. वो खैरात लेते लेते आगे बढ़ता गया. अब मैंने सोचा कि वो मुझसे बेहतर है. फकीर कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मेरे इतने दोस्त हैं. फकीर खुश नसीब है कि उसका कोई दोस्त नहीं. मेरा कोई दोस्त कर्ज लेने आ जाता है और कोई बेवक दावतों में ले जाता है. फकीर इन तमाम परेशानियों से आजाद है. मुसन्निफ के दोस्त इसके खैरख्वाह हैं, मगर हकीकत में इनके दोस्तों की वजह से उसका नुकसान हो जाता है. अहमद मिर्जा आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं. लेकिन आप मोबाइल में होता जाता नहीं.
यहाँ पे है बच्चों कि मेरे इतने दोस्त हैं, फकीर खुश नसीब है कि उसका कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त कर्ज लेने आ जाता है और कोई बेवक्त दावतों में ले जाता है। फकीर इन तमाम परेशानियों से आजाद है, मुसन्निफ के दोस्त इसके खैरख्वाह हैं, मगर हकीकत में इनके दोस्तों की वजह से उनका नुकसान हो जाता है। अहमद मिर्जा आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इनका आना जलजले से कम नहीं। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जो हर वक्त अपने बाल बच्चों की फिक्र में रहते हैं। मुसन्निफ के एक और दोस्त मुकदमा बास हैं, जो अपनी रियासत के झगड़ों, मुखालिफीन की बुराइयों और जज साहिब की तारीफों में लगे रहते हैं। मुसन्निफ और के एक और दोस्त शाकिर खान साहब, जो सलीमपुर के रईस हैं, इन्हें लिटरेचर पढ़ने का शौक है। मुसन्निफ जब इनके घर गए तो उन्होंने एक अलग कमरा तैयार कर दिया जिसमें लिखने का तमाम सामान मौजूद था, लेकिन लिखने के काबिल ना था। मुसन्निफ ने अपना सामान निकाला और लिखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो शबन ने बताया कि राजा तालिब अली है। शाकिर खान ने इनसे मुसन्निफ की मुलाकात कराई। फारिग होने के बाद मुसन्निफ ने लिखने की कोशिश की, मगर दिमाग में ख्यालात नहीं थे। आधे घंटे बाद दोबारा दस्तक हुई के खाने के लिए बुलाया जा रहा है। जब मुसन्निफ ने इनकार किया तो बार बार इसरार किया गया कि मेजबान भी उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे। मुसन्निफ जब खाना खाने के लिए गए तो सबसे माजरत का सोचा। मैं ना कहता था शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, और जो चीज मुझे नापसंद थी उस पर ही खाने के दौरान इसरार किया गया। सुपैर को अपने साथ जाने का कहा गया। वापस आने पर मैंने देखा कि दिन भर एक सफ़े से ज्यादा नहीं लिखा। मुसन्निफ कहता है कि मेरे दोस्तों की एक फहरिस्त यहाँ तक खत्म नहीं होती। एक दोस्त उसे कर्ज लेने आते हैं और एक हमेशा उस वक्त आते हैं जब मुझे घर से बाहर निकलना होता है। एक सवाल शुरू कर देता है और मेरे जवाब नहीं सुनता। एक हमेशा अपनी ही कहता है और मेरी नहीं सुनता। ये सब मेरे खैरख्वाह हैं, मगर मैं कहता हूँ मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये ऐसा होता। यहाँ तक बच्चों हमारा खुलासा मुकम्मल हुआ। अब आपने इसके इक्तबास की तशरीह करनी है तो इसकी बुक से मशक निकालें। वहां पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दो सवाल नंबर 5 देखें। सियाक व सबाक के हवाले से इक्तबासात की तशरीह करें। ये दो इक्तबासात अलिफ और बे दी गई हैं, ये आपने खुद इनकी इक्तबास की तशरीह करनी है। यहाँ तक हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सबक का चलता है ना।